नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत अच्छा लगता है जब कोई चैनल को सब्सक्राइब करता है। अब हम लोग बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में। तो एनटीपीसी का भी शेयर का जो करंट प्राइस है 160 रुपये है, और एक महीने पहले की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक महीने पहले तक ये जो शेयर है 135 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और बहुत ही जल्दी हम लोग को इस शेयर में तेज़ी देखने के लिए मिली थी। और ये सिर्फ एनटीपीसी में ही नहीं, पूरे के पूरे पावर सेक्टर में ही हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने के लिए मिली थी। हम लोग टाटा पावर के बारे में बात कर लेते हैं, दानी पावर के बारे में, बहुत सारे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। उन सारे शेयर में हम लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने के लिए मिली थी। अब कुछ शेयर तो काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं अपने प्राइस से, और ऐसे कुछ क्या हम लोग को एनटीपीसी में भी देखने के लिए मिलेगा, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखा जाए एनटीपीसी जो जो शेयर है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। 51% तक का स्टेक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड कर रहे हैं। और इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये कन्फ्यूजिंग है कि जो हम लोग को पिछले कुछ टाइम में रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा था कि ये शेयर काफ़ी अच्छी तेजी पकड़ी थी, उसके बाद हम लोग करेक्शन भी देखने को मिला था, क्या दोबारा से हम लोग को ये करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है? तो गाइस थोड़ा बहुत आप लोगों को डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जब भी किसी शेयर में हम लोग को इस तरह का ग्राफ देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर करेक्शन तो जरूर देखने के लिए मिलती है, और बहुत ही जल्दी आप लोग करेक्शन देखने के लिए मिलती है। बट ये डिपेंड करता है शेयर के ऊपर, शेयर की स्टेबिलिटी कितनी है, शेयर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है भी या फिर नहीं, या इस कंपनी कितने डेप्थ में, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या फिर नहीं। लेकिन हम लोग बात करें एनटीपीसी की, एनटीपीसी इस तरह का शेयर नहीं है कि इस तरह के हाइक में वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाए। ये थोड़ा बहुत ही आप लोग को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कंपनी के अगर हम लोग फंडामेंटल्स पर बात करते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,55,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी पर डेप भी आप लोग 2,000 करोड़ का, सॉरी 2 लाख करोड़ का कंपनी पर डेप भी है। प्रमोटर्स होल्डिंग 51% तक की है, जो कि सारे की सारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर है। इसका जो स्टॉक पी है सिर्फ 9% का है, और का जो इंडस्ट्री पी है 74% का है, यानी कि स्टॉक अभी काफी अंडरवैल्यूड है। डिविडेंड भी अप्रोक्स आप लोग को 4% तक का डिविडेंड पे कर रहा है एवरी ईयर, और आफ्टर टैक्स ये जो कंपनी है 16,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। पिछले एक साल में ये जो कंपनी ने 62% तक का रिटर्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाए कंपनी तो ओवरऑल फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हम लोग देख लेते हैं। तो मार्च 2010 से लेके मार्च 2021 तक ये जो कंपनी है लगातार प्रॉफिट ही जनरेट कर रही है, और एक अच्छा डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर को पे कर रही है। इस कंपनी के हम लोग शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स होल्डिंग में 51% तक का प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं, FIIs 14% तक का होल्ड कर रहे हैं, DIIs 30% का स्टेक होल्ड कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिर्फ 0.7% का स्टेक होल्ड कर रही है, और जो पब्लिक है आपके और हमारे जैसे लोग 3% तक का स्टेक इस शेयर में होल्ड कर रहे हैं। इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट भी देखें तो उनमें भी आप लोग को इस शेयर में काफ़ी अच्छे, इस शेयर के जो नंबर्स है काफ़ी अच्छे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। और फिर बात करते हैं अब हम शेयर के, ये शेयर कहाँ तक आप लोग को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखा जाए जो पहला टारगेट हम लोग को देख मान के चलते हैं इस शेयर में, वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा 152 तक। ये शेयर आप लोग को 152 या 151 तक ही आप लोग को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ से इस शेयर में ब्रेकआउट हम लोग को देखने के लिए मिलता है तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है ये शेयर दोबारा से 130 के आसपास आ जाएगा, जिसकी बहुत ही कम उम्मीद हम लोग को देखने के लिए मिलती है। ऐसा इस शेयर पर भी तो देखने के लिए नहीं मिलने वाला, क्योंकि पावर सेक्टर का शेयर है, आने वाले टाइम में आप लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा। और बात कर लेते हैं हम इस शेयर के बारे में, अगर आप यहाँ से अपसाइड कितना जा सकता है उसकी कोई भी डिमांड नहीं है। अगर यहाँ से शेयर तेजी पकड़ता है तो हो सकता है 180, 190 या 200 तक भी आप लोग को इस शेयर में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है। और हम लोग इस शेयर में अगर बात करते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का काफ़ी अच्छा शेयर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। पावर सेक्टर का शेयर है, आप लोग को डिविडेंड भी पे करेगा, और आने वाले टाइम में आप लोग को अच्छा रिटर्न भी देगा। और इसके शेयर में एक न्यूज़ भी निकल के आ रही थी कि जो एनटीपीसी के स्टॉक है वो इम्प्रूव कर रहे हैं डिमांडिंग, और इन्होंने टाटा पावर के साथ एक कोलैबोरेशन भी किया है, एक डील भी की है जो कि रिन्यूएबल सब्सिडी में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी प्रॉपर न्यूज़ आने वाले टाइम में कुछ टाइम आप लोग को प्रॉपर मिल जाएगी। तो बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एम करते हैं 50 लाइक का, आई होप आप लोग इसलिए कंप्लीट कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस, जस्ट सी यू सून।